अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कोर्स शुरू होने वाला है ऑफिस ऑटोमेशन का। ऑफिस ऑटोमेशन की पहले तो हम बात ये कर लें, ऑफिस ऑटोमेशन होता क्या है। ऑफिस ऑटोमेशन एक ऐसा ऑफिस है, ओ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर ऑफिस में काम करता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, तो ये मेनली ऑफिस में काम होते हैं। तो हर ऑफिस में एटलीस्ट ये जो कोर्स है, ये हर ऑफिस में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, उसमें ये नीट होती है कि आप कम से कम ये वाला कोर्स लेकर आएँ। तो बेसिकली आज हम शुरू करने वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो ऑफिस ऑटोमेशन का एक हिस्सा है, जिसका नाम है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो पहला लेक्चर है, पहला इंट्रोडक्शन है वर्ड का, कि वर्ड होता क्या है। अब वर्ड को जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है 2013, 2013 के आगे भी सॉफ्टवेयर्स हैं, 2016 है, 19 है, 22 है, 23 है, इससे पहले 7 है, 9 है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैंने अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो करंटली 2013 है, उसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड। अब वर्ड की जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें ब्लैंक है, बहुत सारे लेटर्स यहाँ पर गिवन है। अब वर्ड बेसिकली होता क्या है, वर्ड पर जितना भी टैक्स का काम है, जितना भी टैक्स का काम है कि लेटर एप्लीकेशन टाइप करनी है, लेटर्स बनाने हैं, या फिर किसी को लेटर भेजना है, जो भी एक्स वाई जेड बुक बनती है, वो सारा जो टैक्स का काम है वो इसके ऊपर, वर्ड के ऊपर काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आपके पास नेट है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अभी मेरा नेट बंद करा हुआ है, मैंने क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आती रहती है, तो मैंने यहाँ नेट जैसे ही होगा मुझे कोई भी लेटर, मुझे यहाँ सर्च करना है, एप्लीकेशन सर्च करनी है, जो भी करना है, वो उसके पैटर्न कुछ बने बनाए भी दे देगा। ये जो बने बनाए लेटर्स हैं, तो ये बने बनाए आपके पास होते हैं। आप देखिए नीचे एप्लीकेशन होगी, वर्ड लुक है, वर्ड लुक है, एसएसएल है, टाइमलेस रिपोर्ट है, बहुत सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स गिवन है। ठीक है, अब बात कर लें कि अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। अब हमने तो वर्ड स्टार्ट करना है, तो हमने ब्लैंक पेज पर, हमने खुद जो डिज़ाइन करना है ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। अब एक ये सरफेस हमारे पास ओपन होकर आ गया। अब ये सरफेस है क्या, चीज़ क्या है, क्या नहीं है, ये आपने पढ़ना है क्या नहीं है। अच्छा ये सरफेस आ गया, वर्ड का सरफेस है। अच्छा ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये कहलाते हैं रिबन। मैं आपको लिख के भी बता दूं क्या कहलाते हैं ये रिबन। रिबन कहलाते हैं, रिबन के अंदर तकरीबन इसमें 2013 में 8 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, 2013 से बैक पे जाएंगे तो वहाँ 7 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें पेज लेआउट डिज़ाइन एक होता है। इसमें इन्होंने दो डिफरेंट करके, इन्होंने अलग अलग पार्ट करके थोड़ा सा काट कर इन्होंने डाल दिया। ये होते हैं रिबन्स, तकरीबन ये 8 रिबन्स हैं। और ये जो खुला हुआ है रिबन, अभी होम खुला हुआ है तो होम्स के टूल्स हैं, ये सारे टूल्स होम के हैं। ये अभी जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा तो ये इंसर्ट के टूल्स आ जाएंगे, ये डिज़ाइन के टूल्स आ जाएंगे, ये पेज लेआउट के टूल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये इन सब के हर रिबन का अलग अलग एक परफॉर्मली काम होता है। होम के ऊपर जो काम होता है वो बेसिकली फाइल का, तो एक बटन फाइल है वो भी मैं कवर करूँगा। होम के अंदर जितना भी टैक्स के काम है, जैसे टैक्स है, इसको राइटिंग बड़ी करनी है, छोटी करनी है, एक्स वाई जेड, वो यहाँ पर काम होता है। ठीक है, बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, मतलब जितना भी टैक्स के ऊपर काम होगा वो यहाँ पर काम होगा। ठीक है, इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट से मुराद ये है कि यहाँ पर जितना भी कोई चीज़ फाइल लानी है, इनपुट करवानी है, या फिर कुछ डेट इनपुट करवानी है, सिग्नेचर इनपुट करना है, तस्वीर बनवानी है, टेबल बनवाना है, तो वो यहाँ से इंसर्ट से काम इससे यूज़ होते हैं। डिज़ाइन की बात कर लें तो डिज़ाइन में यहाँ पर थोड़ा सा थीम्स होंगे, पैटर्न होते हैं, पेज बॉर्डर, कलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। पेज लेआउट में पेज की सेटिंग, मतलब जो हमारा ये पेज है, मार्जिन्स हैं इसके, ये सारी चीज़ें इसमें, तो इसी तरह से अलग अलग। ये रेफरेंस का मतलब होता है आप कंटेंट बना लो, मेलिंग का मतलब आप एम्बलेप वगैरह बना लो, रिव्यू का मतलब कि आप ग्रामरली चेक कर लो, व्यू का मतलब आप देखने का तरीका चेक कर लो। इसके बाद अगर नीचे की बात करें तो ये हमारे रूलर हैं, मतलब कितना, कितने पेज का हमारा, ओ कितने इंचेस का पेजेस है, कौन सा पेज है, ये हमारा पेज का एक व्यू दिख रहा है। अच्छा नीचे वाली लाइन बात कर लें तो ये हमारा पेज बता रहा है कि हमारे पास कितने पेजेस हैं अभी, वन ऑफ वन, यानी हम एक ही पेज अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक ही पेज है हमारे पास गिवन है, तो एक ही पेज पर हम अभी करंटली डिपेंड करें। ये वर्ड्स है, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक बात लिखता हूँ कि LICC,
फ्री कोर्सेस अभी राइटिंग बहुत छोटी हुई है तो उसको भी बड़ा कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली। अभी कोर्स की स्पेलिंग हमारी थोड़ी सी गलत हो गई है। कोर्स लेयर का वो उसने बताया हुआ नहीं, हमने लेयर क्या चीज़ है इसको हम ऐड कर लेते हैं, इग्नोर ऑल। ठीक है, अब ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ये तीन वर्ड कहाँ होते हैं? तो देखो नीचे तीन वर्ड्स बता रहा है, लेकिन मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे बता रहा है एक पेज यूज़ हुए हुआ है आपके पास, वर्ड तीन है, एक दो तीन, करेक्टर नो स्पेस। नो स्पेस मतलब कि मैंने स्पेस नहीं काउंट करने अभी, जैसे एक स्पेस ये दिया हुआ, एक स्पेस ये दिया हुआ है, तो ये स्पेस काउंट नहीं कर रहा है। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरह करके गिन गया, 15 लफ्ज़ मैंने लिखे स्पेस के साथ, बता रहा है कि 15 लफ्ज़ वैसे हैं और एक दो स्पेसेस हैं। लाइन अभी मैंने एक ही यूज़ करी हुई है, पैराग्राफ मैंने अभी ख़त्म करा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। ये जो चीज़ है बेसिकली, अभी पीछे ग्रामरली एक मिस्टेक हुई हुई थी, ये ग्रामरली मिस्टेक हुई, ठीक है। अब वर्ड उसको नहीं पता तो रेड लाइन नीचे शो हो रही है, तो देखो यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई एक मिस्टेक हुई हुई। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डबल स्पेस भी कर देता हूँ, मैंने एक और गलती भी यहाँ पर कर दी, यहाँ पर फ़ौरन उसने ब्लू लाइन दे दी कि आपने प्रीपोजिशन गलती करी हुई। अब मैंने इस पर क्लिक करा, वो मुझे बता रहा है पहले तो आपने लेक की स्पेलिंग को सही करना है, क्योंकि रेड रेड लाइन जो होती है वो स्पेलिंग की होती है, और दूसरी ब्लू लाइन थोड़ी सी हमारी प्रीपोजिशन, और ग्रीन लाइन हमारी ग्रामरली मिस्टेक होती है। अब मैं ग्रामरली को मैं एक मिनट यहाँ पर कर देता हूँ, इन फ्री कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलतियाँ, इन एन एन भी लगा देते हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलतियाँ कर दी। तो यहाँ पर मैंने, अब देखो ये क्रॉस मैंने जैसे ही क्लिक करा, पहले तो बोला आप स्पेलिंग सेट कर ले, मैंने बोला नहीं भाई मेरी स्पेलिंग यही है, इग्नोर कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद वो बाकी चीज़ें भी बताता रहेगा कि आपने क्या गलती करी हुई क्या नहीं करी हुई, क्योंकि वो कंसिडर जब गलतियों को करेगा तो वो आपको बताता रहता है कि नीचे जब यहाँ पर टिक आ जाए तो इसका मतलब आप कोई भी गलती के साथ नहीं हो, और अगर क्रॉस आ रहा हो तो आप गलती के साथ हो। ये हमारा देखने के तरीके होते हैं फाइल को। सबसे अच्छा बेहतर तो ये होता है कि आपके पास पूरा पेज आ जाए, ये वेब पेज डिज़ाइन में आ जाता है, ये रीड आउट डिज़ाइन में, वो ये वेब पेज में आता है, ये रीड आउट डिज़ाइन में आता है। पेज लेआउट ये होता है कि आपको पूरा पेज यहाँ पर दिख जाता है। ये हमारा जूम होता है कि हम कितना जूम करना चाहते हैं पेज को, कितना नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर मैं इस फाइल के नीचे लिंक में आपको इनकी शॉर्ट कीज़ भी दे दूँगा, जो मैं लिखवाऊँगा या फिर मैं लिख दूँगा किसी दिन, या तो फाइल दे दूँगा, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लें वर्ड की फ़ाइल की। ऊपर ये बटन तो हमारे शॉर्टकट होते हैं कि हम खुद ही सेव कर लेते हैं, ये सबको आपको पता है। लेक्चर नंबर वन में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, साथ साथ मैं फ़ाइल को कवर कर रहा हूँ कि फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ गई, इन्फो कि इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने अभी सेव करनी है, रिसेंटली मेरी क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करना है डॉक्यूमेंट को, ये सारी चीज़ें। न्यू में यानी या तो मुझे जैसे फर्स्ट टाइम मैंने पेज खोला था, ये न्यू आ जाएगा, तो ये न्यू आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ओपन पुरानी फाइल कहीं सेफ है, पुरानी फाइल कहीं सेव करी हुई मैंने, तो वहाँ से यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जाके आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। लेकिन आप अगर वर्ड में ही हो तो आप ओपन करके यहाँ से कोई सी भी फाइल यहाँ पे भी रखी हुई है उसको जाके कंप्यूटर में उसको ओपन कर सकते हो। सेफ और सेव एज, इसका मतलब ज़रा बहुत गौर से समझना है। सेफ का मतलब क्या होता है, आपने फाइल को सेव कर लिया, बिलफर मैं सेव, और ये इन दोनों को मैं एंड में बताता हूँ। क्लोज मतलब फाइल क्लोज हो जाएगी, ऑप्शन यानी वर्ड की ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसके ऑप्शन से यहाँ पे गिवन होंगे। अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप ओपन कर लें। एक्सपोर्ट, अगर ये फाइल आपने कहीं एक्सपोर्ट करवानी है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करवानी है इसको, या तो इमेज में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से इसको चेंज द फाइल करके आपने जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसमें आप कर सकते हो। शेयर मतलब आपको कहीं से ईमेल पे शेयर करनी है, ईमेल पे शेयर करनी है, कहीं भी शेयर करनी है, तो आप यहाँ से शेयर। प्रिंट का मतलब आपने इस फाइल को प्रिंट करना है, यहाँ पे पूरी प्रिंटिंग की वो दिखा रहा है कि अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, किस पेज पे करना है, ये सब हम आगे लेक्चर में इसको कन्वर्ट करेंगे जब प्रिंटिंग का सेक्शन आएगा। अब सेव और सेव एस क्या है, सेव कंट्रोल एस से हो जाता है, ठीक है। सेव जो होता है वो कंट्रोल एस से भी हो जाता है, ठीक है। और सेव एस जो है वो F12 से होता है, F12 से होता है। ये दो शॉर्ट कीज हैं, ठीक है। ये दो शॉर्ट कीज किस बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दो शॉर्ट कीज, इनके बहुत फ़ायदा है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि मैं हम कंट्रोल एस दबाते हैं, इसने मुझे पूछा फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूँ, क्योंकि पहले दफ़ा ये सेव नहीं हुई भी फाइल, अभी हमने सेव नहीं करी, तो मैंने इसको कंट्रोल एस दबाया या फिर सेव पे गया तो इसने मुझे बताया आपने प्लेस सेलेक्ट करना है। मैंने कंप्यूटर खोला,
कि भाई मुझे बता दो। मैंने बोला इसको अब जैसे कि मैंने इस फाइल को सेव एज के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट करके सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको खोला फाइल को, तो ये मेरे पास एक फाइल आ गई, ठीक है, सेव एज की फाइल, ठीक है, सेव एज वन की फाइल आ गई। वो बीच में से वीडियो कट गई थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा सेव वन फाइल करके यहाँ पे कंट्रोल। अब मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर कि आपने इसको एंटर करके, मैंने इसमें कोई और भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि लेक फ्री, और आपने बहुत सारा काम कर दिया। आपने सीधा सीधा क्या करना है कि सीधा सीधा आपने इसी फाइल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इसी फाइल पे काम कर रहे हैं सेव वन पर। जैसे ही मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा तो यहाँ पर एक लोडिंग चलेगी इस जगह पर, ये जो नीचे जो ब्लू लाइन है ये व्यूज़ के पास, इस जगह पर एक रिकॉर्डिंग चलेगी। तो आपने देखना है, जैसे ही मैंने कंट्रोल एल दबाऊंगा, 1 2 3 एक लोडिंग चली और बंद हो गई। तो ये इसी, अब मैं इसको बंद भी करके खोलता हूँ तो देखो कि ये इसी फाइल पे खुलेगा, ठीक है। अब बिलफर्स मैं एक काम बताता हूँ कि आपके ऑफिस वालों ने बोला ये फाइल बन गई है, समझ लें 200 पेज 250 पेज की एक्स वाई जेड, इसमें 155 पेज पे ये हमने काम करा हुआ था, इसके बजाय ये सब मिटाना है और यहाँ पर आपने बिलफर्स कोई भी एक्स वाई जेड काम कर दिया, एक्स वाई जेड करके मैंने कोई भी काम कर दिया, कि मैंने बोला एक्स वाई जेड करके काम कर दिया। अब मेरे से गलती ये हुई कि मैंने उस फाइल की कॉपी नहीं करी जो सेव वन की फाइल थी। अगर मैंने इसको कंट्रोल एस दबाया और यहाँ लोडिंग चल गई, तो पुराना वाला काम नई फाइल से गायब हो जाएगा। अब मुझे वाली फाइल भी चाहिए और ये वाली फाइल भी चाहिए, यानी कि सेव वन की जो फाइल थी वो उसमें मुझे ओल्ड काम चाहिए, और ये जो काम करा मैंने इसके लिए सेव वन की फाइल नई बने। अब सेव वन की फाइल नहीं बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये तो यहाँ पे लोडिंग होगा, ये किस में चली आएगा, ये इस वाली फाइल में काम सेव हो जाएगा। इसके लिए मैं दबाऊंगा F12, जैसे ही मैं F12 दबाऊंगा तो यहाँ पर देखो ये दोबारा से खोला, यहाँ सेव वन की फाइल आ रही है, मैंने इसको बोला सेव वन, यहाँ पर मैंने एक स्पेस और दे दिया, बिलफर्ज मुझे क्या करना है सेव वन न्यू करके दे दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे से पहले सेव वन था, अब सेव वन नहीं हो गया, अब ये बाय फाइल नहीं बन गई है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ देखो दो फाइल आ गई, सेव वन कौन सी है पुरानी वाली फाइल है, और सेव टू न्यू कौन सी है कि यहाँ पर नई वाली फाइल है। अब सेव वन को मैं अगर खोलता हूँ तो यहाँ ये देखो नई वाली फाइल है, और अगर सेव वन को खोलता हूँ तो ये पुरानी वाली फाइल है। तो फाइल का भी आप लोग समझ में आ गई होगी आप लोगों के बात, कि फाइल का जो ये सेव है सो सेव का काम था, तो ये भी आपके समझ में। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में होम, यानी टेक्स्ट पर काम, टेक्स्ट पर काम लेक्चर नंबर 2 में, ये सारा काम जो होम के अंदर है, इसको बोर्ड करना, इसको टैलिक करना, ये एक एक करके ये सारे ऑप्शन जो हैं, ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है, इसको डिटेल वाइज मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे इनसाइड। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।